हेलो ऑल, आप सभी को मालूम है कि COVID-19 का सेकेंड वेव जो है वो कंटिन्यू है। डेफिनेटली इस बार बीमारी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, सीवियरिटी भी ज़्यादा है। और एक और चीज़ जो इसको फर्स्ट वेव से डिफरेंशिएट करती है वो ये कि इस वेव में बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम में जब कोविड के केसेस पीक पे थे तब बच्चों के इतने केसेस नहीं आते थे, लेकिन इस बार डेफिनेटली बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को लेने की जो पेरेंट्स दिन भर पूछते हैं, उनके मन में दिन भर क्वेरीज होती है। यदि बच्चा अफेक्ट होना है होता है COVID-19 से तो क्या करना है, या फिर पेरेंट्स अफेक्ट होते हैं तो बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है। मैं डॉक्टर अमित बंग हूँ, पीडियाट्रिशियन। पेरेंट्स का यह सवाल होता है कि सर मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं वो कौन से सिम्टम्स देखूँ बच्चे में कि मुझे समझ में आए कि कहीं बच्चा भी अफेक्ट तो नहीं हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली बच्चों में बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं जैसे बड़ों में होते हैं। फीवर, सर्दी, खांसी, डेफिनेटली बच्चों में वो सब सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसके साथ में दूसरे सिम्टम्स लूज मोशंस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, पूरे शरीर में हाथ पैर दुखना हो सकता है, नौशिया हो सकता है। थोड़ा बच्चा बड़ा बच्चा हो तो लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट जो बड़ों में होता है वो भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं वो मैक्सिमम वेरिड सिम्टम्स होते हैं, और उनको COVID-19 के लिए स्पेसिफाई करना कि ये सिम्टम COVID-19 का है ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। एक और चीज़ होती है कि सीजनल फ्लू या रूटीन कफ कोल्ड और COVID-19 के सिम्टम्स को भी आपस में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। हम जरूर थोड़ा बहुत इतना पता कर सकते हैं कि यदि बच्चे में स्ट्रॉन्ग एलर्जिक टेंडेंसी है और उसको छींकी आ रही है या आँखों से पानी आ रहा है तो कुछ हद तक ये समझ में आ जाता है कि शायद ये एलर्जिक फ्लू है, न कि सीजनल फ्लू या कोविड वाला फ्लू है, लेकिन बाकी सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। इस पूरे टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग मदर काफ़ी कन्फ्यूज्ड हुई है कि यदि उनको कोविड है तो क्या वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं या नहीं। और डेफिनेटली वो ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीड जो है वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, सबसे हाइजेनिक है, और बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है। ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है जिसमें हमको पता चले कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे में कोविड होने की कोई संभावना होती है, लेकिन आपको फिर भी कुछ सावधानी रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के पहले आप खुद को जो है आप खुद के हैंड वॉश करें प्रॉपर, अपने ब्रेस्ट को क्लीन करें, मास्क पहने, मास्क प्रॉपरली पहनिए जिसमें नोज कवर हो, चिन कवर हो, और उसके बाद में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं अपनी बीमारी से, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं ब्रेस्ट फीड करा पाऊँ, तो भी आप अपना दूध एक्सप्रेस करके निकाल कर दे सकती हैं ताकि कोई और दूसरा उसी मिल्क को कटोरी चम्मच से बच्चे को पिला सके। पेरेंट्स की एक और क्वेरी होती है कि मुझे COVID-19 इन्फेक्शन है तो मेरा बच्चा कितना ससेप्टेबल है कि उसको भी COVID-19 इन्फेक्शन होगा। तो ये डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि किन बच्चों को COVID-19 इन्फेक्शन हो सकता है और किन को नहीं। फिर भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें हम मानते हैं कि उनको COVID-19 होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और यदि होता भी है तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। वो ग्रुप यदि छोटे बच्चे हैं, स्पेशली लेस देन 2 ईयर्स, वो बच्चे जिनको कोई पहले से हार्ट डिजीज़ है, कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा स्टीरोइड पे या कैंसर की दवाइयों पर चल रहा है, तो इस तरह के बच्चों को जो है वो अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे कि सभी बड़ों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, और अब वो समझना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी दवाई है जिससे बच्चे को ये इन्फेक्शन ना फैले। अनफॉर्चुनेटली नहीं, ऐसी कोई प्रिवेंटिव या प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन नहीं होती है जिनको हम दें और ये मान के चलें कि बच्चे में इन्फेक्शन नहीं होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो इम्यूनिटी का होता है। इम्यूनिटी, रूटीन खान पान, अच्छा हाइड्रेशन, शरीर में जितना पानी रहता है, और अच्छी नींद, इस पर डिपेंड करता है। फिर भी विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का कुछ हद तक रोल है जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछ कर दे सकते हैं, लेकिन कोविड से हमारी लड़ाई लंबी है और हमको ये ध्यान रखना है, कोशिश करें कि विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जो है वो हमको हमारे रूटीन लाइफस्टाइल्स में मिले। तो जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं आप वो उसको बढ़ा सकते हैं। धूप दिखाना, सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी मस्ट। और तीसरा, जिंक के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, यदि आप इतना रूटीन में रखेंगे तो बच्चे का इम्यूनिटी अपने आप जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट दिमाग में ये आता है कि क्या हम बच्चों को स्टीम या काढ़ा दे सकते हैं जिससे कि वो कोविड के इन्फेक्शन से बचे रहें। वीक में
15 दिन में मान के चलें एक आध बच्चा आता है जो कि स्टीम से बर्न होके आता है, तो कोई रोल नहीं है स्टीम का जो कि बच्चे को कोविड इन्फेक्शन से बचाए। दूसरा, काढ़ा भी बच्चों में जो है वो बड़ों में भी और बच्चों में भी काफ़ी हद तक गेस्ट्राइटिस या एसिडिटी का कारण बनते हैं, तो बेहतर ये है कि इन दोनों पे डिपेंड रहने की बजाय जनरल इम्यूनिटी पे ध्यान दें। पेरेंट्स के मन में बच्चों को मास्क को लेके भी बहुत अप्रेंशन भी होता है, कन्फ्यूज़न भी होता है कि वाकई में मास्क बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, और दूसरा सवाल ही उनके मन में ये होता है कि बच्चे मास्क पहनते नहीं हैं तो उसे किस तरह से मास्क के लिए रेडी किया जाए। सबसे पहली बात, 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों को जो है वो मास्क पहनना चाहिए। WHO ने 2 साल से कम छोटे बच्चों को मास्क का फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है, इसलिए क्योंकि वो बच्चे में सफोकेशन के चांसेस रहते हैं, एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं, लेकिन 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों को मास्क पहनना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को मास्क कैसे पहनाएं, क्योंकि मास्क उनके लिए एकदम एक फॉरेन एलिमेंट है जिसको उन्होंने देखा भी नहीं है और वो यूज्ड टू भी नहीं है। तो बच्चों को मास्क के लिए कंफर्टेबल करने का कुछ तरीका ये हो सकता है कि हम बच्चों को जो है उस तरह की इमेजेस दिखाएं जिसमें दूसरे बच्चों ने मास्क पहना है तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। हम उनके मास्क को डेकोरेट करके रख सकते हैं, उनके जो फेवरेट टॉयज़ सॉफ्ट टॉयज़ हैं उनको मास्क पहनाकर उनको दिखा सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत भी क्रिएटिव होकर हमको बच्चे को मास्क के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के ऊपर का बच्चा यदि क्राउडेड प्लेसेस में जाता है या ऐसी जगह जाता है जहां पर कि डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क का पहनना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली बच्चों को मास्क पहनाना चाहिए। मास्क को लेकर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप कॉटन के मास्क यूज़ कर सकते हैं या सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं जो कि 3 लेयर्ड या 5 लेयर्ड मास्क होते हैं। स्पेशली मास्क को लेकर कुछ सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क जो है वो हमारे नोज से लेकर चिन तक पूरा एरिया कवर करना चाहिए। यदि आपने मास्क किस तरह से नहीं पहना है तो आप अपने आप को एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि मैंने मास्क पहना है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब भी आप मास्क उतारते हैं तो मास्क हमेशा इस तरह से उतारना चाहिए, मास्क के फ्रंट साइड को कभी भी टच नहीं करना है, क्योंकि मास्क में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका हाइजीन मेंटेन करना। दूसरा, यदि आप कॉटन या क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उस मास्क को जो है वो रेगुलरली वॉश करते रहें। और यदि आप सर्जिकल मास्क यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत कॉस्टली नहीं होता है, आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि आप उसको डेली डिस्पोज करें। तो इसलिए मास्क का प्रॉपर यूज़ खुद भी समझें और बच्चों को भी बताएं। अक्सर पेरेंट्स के मन में एक क्वेरी आती है कि मेरे बच्चे को बुखार आ गया तो क्या मुझे उसका COVID-19 का टेस्ट कराना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है। यदि आपके बच्चे को सिम्टम है, फीवर है, सर्दी खांसी ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, लूज मोशंस, डायरिया हैं, यदि कोई भी ऐसा सिम्टम आपको लगता है जो कि बच्चे में डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहले उसको बच्चों को घर के बुजुर्ग लोगों से दूर रखिए, 60 ईयर्स प्लस या 45 ईयर्स प्लस। लेकिन जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है जो कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई उनको किडनी से रिलेटेड बीमारी है, कोई क्रॉनिक लंग की तकलीफ है, उन लोगों को बच्चों से दूर रखिए, क्योंकि बच्चे सुपर स्प्रेडर्स होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। आपको नहीं समझ में आता लेकिन बच्चे जो है वो डेफिनेटली आपकी सोच से ज़्यादा बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं। प्लस दादा दादी का बच्चों से अटैचमेंट बहुत होता है, बच्चे उनके साथ काफ़ी हद तक समय स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहला काम टेस्ट करवाना नहीं है, टेस्ट करवाना नहीं करवाना का डिसीजन आप अपने पेडियाट्रिशियन पे छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे पहला काम आपको जो करना है, यदि बच्चा बीमार है तो घर में उसको बुजुर्ग लोगों से दूर करना है, बच्चे को जो है वो आइसोलेट करके रखना है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, जिनके यहाँ मालिश वाली बाई आती है, वो भी काफ़ी परेशान होते हैं कि अब बाई को बुलाएं या ना बुलाएं। पहली बात तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि पेरेंट्स अपने हाथ से अच्छे से बच्चे की मालिश कर सकते हैं, उसमें किसी बाहरी आदमी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप उसको बुलाना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, वरना ये बातें सिर्फ मालिश वाली बाई के लिए एप्लीकेबल है, बल्कि आपके यहाँ कोई भी घर में काम करने आता है और आपको डर है या आप और सेफ रहना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखें, डेफिनेटली उससे हेल्प होगा। एक तो उनको डिस्पोजेबल मास्क आप अपने पास से प्रोवाइड करिए, क्योंकि आप उनके मास्क की हाइजीन के भरोसे ना रहें, तो आप डेली उनको एक मास्क प्रोवाइड करें जो कि सस्ता आता है, 2-3 रुपये का मास्क आता है, डेफिनेटली वो डेली यूज़ करके उसको थ्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप और एक्स्ट्रा सेफ्टी रखना चाहते हैं तो आप अपने पास से जो है वो उनको गाउन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो गाउन पहनकर बच्चे की मालिश करें।
और कोई भी काम करने के पहले यदि मालिश वाली बाई है तो ये जरूर ध्यान रखें कि मालिश शुरू करने के पहले वो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोए और उसके बाद में बच्चे को टच करें। यदि इतना आप फॉलो कर पाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे को मालिश वाली बाई से कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पेरेंट्स के मन में एक और सवाल आता है कि यदि मुझे कोविड इन्फेक्शन है तो क्या मैं बच्चे को उसके मामा या चाचा के यहाँ भिजवा दूँ। किसी भी बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि बीमारी जब आपके शरीर में एंटर करती है, वायरस जब आपके शरीर में एंटर करता है और उसके सिम्टम आने में जो समय लगता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये इसका ये मतलब नहीं होता कि आज बुखार आया, इसका मतलब बीमारी आज से शुरू हुई है। कहीं ना कहीं वो वायरस आपकी बॉडी में पहले से जो है वो डेवलप हो रहा था। कोविड में ये टाइम होता है 5 to 6 days का ऑन एन एवरेज। तो यदि आपको आज फीवर आया है तो तुरंत बच्चे को कहीं भिजवाने का बहुत फ़ायदा नहीं होता है। उसका एक नुकसान ये भी होता है कि आपके घर में तो वो वायरस सर्कुलेट कर ही रहा है, आप उसको शायद किसी ऐसे घर में भिजवाएंगे जहाँ पर कि वो वायरस अभी नहीं है। ये बच्चा वहाँ पे जाके सुपर स्प्रेडर का काम करेगा और उन लोगों को भी कोविड वायरस जो है वो उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो बेहतर ये है कि जहाँ जिस एनवायरनमेंट में आप हैं वहीं पर रहें, वहीं पर बच्चे की देखभाल करें। एक और क्वेश्चन जो होता है कि यदि पेरेंट्स को कोविड है, बच्चा छोटा है, तो वो क्या उनके साथ में बच्चा सो सकता है। तो डेफिनेटली आप एक रीजनेबल डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चे की केयर कर सकते हैं। आपने सोचा है कि कोविड के केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं, तो जैसे प्यार में धोखा होता है वैसे ही कोविड में भी धोखा होता है। वो धोखा क्या होता है वो मैं बताता हूँ। बहुत सारी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। पहली सिक्योरिटी तो ये आती है कि हमने वैक्सीन लगवा लिया। यदि आज भी सिंगल डोज पहला डोज लगा है तो 3 दिन बाद ऐसा फीलिंग आता है कि वैक्सीन लग गया है तो अब शायद हमको कोविड नहीं होगा, जो कि गलत बात है। दूसरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि हम काढ़ा ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं तो कोविड नहीं होगा। डेफिनेटली प्राणायाम हेल्प करता है, योगा हेल्प करता है, लेकिन कोविड नहीं होगा ये बात नहीं है। तीसरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे मन में ये रहता है कि हम आइवरमेक्टिन ले रहे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन का डोज ले चुके हैं तो हमको कोविड नहीं होगा, जो कि गलत बात है। एक और चीज़ हमको लगती है कि हम मास्क पहन रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मास्क नहीं पहनना अपने आप में एक धोखे का रीज़न होता है। तो बहुत सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली एक और जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आजकल काफ़ी यंगस्टर्स लेके बैठे हैं कि कोविड सिर्फ एडल्ट्स को जो है वो 45-50 ईयर्स प्लस को अफेक्ट करता है, लेकिन कितने ही यंग पेरेंट्स, कितने ही यंग पेशेंट्स आज की डेट में कोविड 19 इन्फेक्शन से अफेक्ट होकर आ रहे हैं और सीवियरिटी भी ज़्यादा है। तो यदि आप इस तरह से किसी भी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में हैं तो उसको अपने से अलग कर दीजिए। यही रीज़न है कि सब कुछ होने के बाद में भी आज की डेट में कोविड के केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं।